तो आप अपने रंग में आ जाए तो कसम खुदा की मैं भी अपने रंग में आ जाऊंगा, है कि नहीं? अब रंग में कैसे आप लोग आएंगे? जब तक आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, तब इंशाल्लाह मैं अपने रंग में आऊंगा। तब देखिए कि नेमतुल्लाह रहमानी की निजामत किस अंदाज से होती है कि बेनजीर ऐसा है कुरान के दुनिया सारी, अरे कोशिशें लाख करे मिसल नहीं ला सकती। और जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, इनके सीने को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जनाब कारी जिक्रुल्लाह साहब ने शोबाए तजवीद व क़िरत के तमाम नशीब व फराज, रुबूज व औकाफ, उसूल व ज़वाबित, कवायद व कानून के साथ कुरान पाक की तिलावत की। कारी साहब के सीने से निकलने वाली आवाज कुरान मुकद्दस की आयत की सूरत में फजाओं में, खलाओं में परवाज कर गई और इंसानी ज़हनो फिक्र की सैराबी का काम आगे बढ़ गया। दोस्तों, यही वो आवाज है जो दश्तो जबल वादिये कोहसार में गूंजती है, तो हर जर्रे हर खित्ते से قال اللہ وقال رسول کی صدائے نشر ہونے لگتی ہے۔ دوستو، یہی وہ آواز ہے جو انسانی ذہنیت کے جزیرے تک پہنچتی ہے، تو اندھیری رات کے وقت کا مسافر صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے۔ دوستو، اسی آواز کے تعلق سے غزل کے ایک شاعر تنزیہ لہجہ اختیار کر کے کہا تھا کہ جو سب سے ضروری ہے मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, अरे ईमान के सहीफे को निगहबा नहीं पढ़ते। और ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, अरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। सुभान, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, अरे अखबार तो पढ़ लेते हैं कुरान नहीं पढ़ते। लेकिन दोस्तों, महबूब गौहर मुजफ्फरपुरी ने शेर कहा था कि करम अल्लाह का है साहिबे ईमान के ऊपर। थोड़ा स्टेज हमारा बेदार हो जाए, इसलिए कि मैं जिस तरह का शेर कह रहा हूँ ये सिर्फ स्टेज वाले ही समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर स्टेज बोलेंगे तो इंशाल्लाह देखे देखे इंशाल्लाह ये लोग भी बोलने लगे। करम अल्लाह का है साहिबे ईमान के ऊपर, अरे गिरेंगी बिजलियां लाहौल की शैतान के ऊपर। क्या बात है कि करम अल्लाह का है साहिबे ईमान के ऊपर, अरे गिरेंगी बिजलियां लाहौल की शैतान के ऊपर। और कसम अल्लाह की हम जान की बाजी लगा देंगे, अरे अगर उंगली उठाएगा कोई कुरान के ऊपर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम अल्लाह की हम जान की बाजी लगा देंगे अगर उंगली उठाएगा कोई। समझ में आ रहा है? यहाँ के बच्चे जावेद कलीम साहब, माशाल्लाह जेके मुशायरा मीडिया, जो मऊना भंजन यूपी की सरजमी से तशरीफ लाए हैं, आपको कवरेज कर रहे हैं। आप लोग बेदारी के साथ सुने, पूरी दुनिया आपकी वीडियो देखेगी कि इंदरवा के लोग किस तरह से हैं, कैसे प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम सुनने का उनके अंदर जज्बा है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये पूरी दुनिया आपकी वीडियो देखेगी। दो से तीन दिन के अंदर में इंशाल्लाह यूट्यूब पर नजर आएगा। यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे आप अपने मदरसे का नाम या अपने इलाके का नाम, तो इंशाल्लाह आप इस जलसे की वीडियो इंशाल्लाह आपको नजर आएगी, है कि नहीं? किस तरह इस तरह आप लोग खामोशी के साथ सुनेंगे तो पूरी दुनिया सोचेगी कि इंदरवा के लोग शायरी नहीं समझते, है कि नहीं? अब बेदारी के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह जितने लोग शेर वीडियो देखेंगे खुशी महसूस करेंगे कि इंदरवा के लोगों के अंदर जज्बा है शेर सुनने का, है कि नहीं? यहाँ के बच्चे बहुत खामोश है दोस्तों, वरना आजकल बच्चों का हाल बहुत अजीब है।
ये छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। एक बाप का दो बेटा एक जगह पढ़ रहा था, छोटे बेटे से बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, छोटा बेटा बोला नहीं लाऊंगा। बड़ा बेटा वहीं पर बैठा हुआ था, उसने कहा अब्बू ये बड़ा बदतमीज है, इससे पानी क्यों मांगते हैं, जाके ना उठ के पी लीजिए और एक गिलास हमारे लिए भी लेते आ जाएगा जी। तो बच्चों का हाल ये होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के अगर चच्चे जग जाएंगे तो कसम खुदा की मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से फिट रहे ताकि मैं भी फिट रहूं। उसके बाद इंशाल्लाह आज ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये इंदरवा का प्रोग्राम इंशाल्लाह हिट हो जाएगा, है कि नहीं? तो कितने हजरात हिट करेंगे? एक बार दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और ये चचे हजरात जो बैठे हैं मेरी निगाहों के सामने, कसम खुदा की जब तक ये प्रोग्राम चलेगा ये लोग भी चलेंगे, इसलिए कि इनके साथ एक मटेरियल कैप्सूल और अपना इंजेक्शन साथ लेकर चलते हैं कि नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं। अरे उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं, है कि नहीं? तो माशाल्लाह अपना हथियार ये लोग लेकर चलते हैं, जैसे नींद का गलबा जाहिर होता है ये अपना मसलना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो इंशाल्लाह आज इसी तरह मैं पूरी रात इंशाल्लाह आपको बेदार करता रहूंगा, आप इसी तरह नहले पे दहला देता रहूंगा।